तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज फिर से लेके आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो माइनक्राफ्ट के बारे में। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे रीजनरेशन स्टेटस इफेक्ट, कि हम किन किन चीज़ों से रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद फिर से जन्म ले सकते हैं। तो उसका बेहतरीन अगर वो मैं उदाहरण एग्जाम्पल दूँ आपको, तो वो है टोटेम ऑफ अंडे, जिसके बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा माइनक्राफ्ट खेलते हो तो उसी की तरह माइनक्राफ्ट में कितने अलग अलग वो रीजनरेशन इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये रीजनरेशन इफेक्ट होता क्या है और ये कहाँ काम आता है। तो बेसिकली ये जो रीजनरेशन इफेक्ट है, ये हमें कई बार हम माइन करते स्ट्रेट माइन करते हैं, सीधा डिक करते हैं, खोदते हैं, तो अचानक हम लावा में गिर गए। ओके, तो अगर हमारे पास टोटेम ऑफ अंडे है जो रीजनरेशन के लिए काम आता है, तो हम फिर से वहीं पर जीवित होकर वापस आते हैं। ओके, ये है आप कह सकते हो पुनर्जन्म, और हमारी चीज़ें भी शायद नहीं जाती है, जो है वैसी के वैसी हमारी चीज़ें भी बच जाती है और हमें फिर से एक और लाइफ लाइन मिल जाती है ताकि हम बच सके उस स्थिति से। और कहाँ पे काम आता है कि अगर हम एंड सिटी में गए और हमें एंडर ड्रैगन से लड़ना है, तो हमारे पास वो इफेक्ट्स है, पोशन है, तो जिसकी वजह से हम फिर से रीजनरेशन यानी कि एक और लाइफ लाइन लेके चले। और दूसरा है अगर विदर फाइट करते हैं, बॉस फाइट आप कह सकते हो विदर के लिए, तो विदर को हमने आप कह सकते हो स्पॉन किया और उसके साथ फाइट की और उस फाइट में हम मर गए, तो फिर से एक चांस मिलता है रीजनरेशन इफेक्ट की वजह से ताकि हम एक और बार उसे मार सकें या फिर से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रीजनरेशन पुनर्जन्म लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली होता है रीजनरेशन इफेक्ट। और अब बात करते हैं कि ये हमें रीजनरेशन इफेक्ट मिलता कहाँ कहाँ से है। तो मैं बात करूँ तो माइनक्राफ्ट के अंदर मेरी जानकारी के हिसाब से जो है, जितनी मैंने रिसर्च की, जितने आर्टिकल पढ़े, उससे मुझे पता चला कि रीजनरेशन के माइनक्राफ्ट के अंदर टोटल 10 इफेक्ट है। आप कह सकते हो पोषण, टोटेम फाउंड ऑल ईच अदर, 10 ऐसे तरीके हैं जिससे आप रीजनरेशन इफेक्ट ले सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर। तो वो कौन कौन से है जान लेते हैं। पहला तो है पोषण ऑफ रीजनरेशन, दूसरा है स्प्लैश पोषण ऑफ रीजनरेशन, तीसरा है लिंगरिंग पोर्शन ऑफ रीजनरेशन, चौथा है एरो रीजनरेशन, पांचवा है बीकन विद द रीजनरेशन इफेक्ट, और छठा है सस्पिशियस स्ट्यू विद द ऑक्सीडाइज, ऐसा कुछ नाम है, ये कुछ खाने की चीज़ है, स्ट्यू होता है जो ऑक्सीडाइज जैसी कुछ चीज़ को मिला के बनता है, तो वो भी एक रीजनरेशन इफेक्ट का एक चांस है। और सातवा है गोल्डन एप्पल, आठवा है इंचेंटिंग गोल्डन एप्पल, और जो नौवा है वो है आप कैसे वो टोटेम ऑफ अंडैन, और जो दसवा और लास्ट है वो है एक्सोलॉट, जो अभी अभी माइनक्राफ्ट 1.17 के अंदर नया मॉब आया है पानी वाला वो है, और उसका काम भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई प्लेयर किसी मॉब को मारता है, तो ये जो एक्सोलॉट है कुछ ऐसा ही काम करता है दूसरे मॉब को मारने का या फाइटिंग करने का, ऐसा कुछ इसका सीन है। ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर अलग से स्पेशली वीडियो बनेगी भाई लोग, अगर आप कहोगे तो हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, आपके लिए मैं कहीं से भी रिसर्च करके वो वीडियो बनाऊँगा। तो इसी बात पर लाइक ठोक दो और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट ज़रूर करना। चलिए अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं इस रीजनरेशन के बारे में। तो अभी हमने जो बात की रीजनरेशन के बारे में, पुनर्जन्म माइनक्राफ्ट के अंदर, ओके, वो तो आप समझ गए, यानी कि जो 10 तरीके हैं, उन 10 तरीकों से आप रीजनरेशन इफेक्ट ले सकते हो। तो उनमें से कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी है, तो उनमें से एक की बात मैं करूँ तो वो है पोषण, जो पहले नंबर पर ही हमने रखा था। तो ये पोषण थोड़े आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, जैसे कि इन पोषण के अंदर किसी में एकदम से हेल्थ बढ़ जाती है, किसी में
पोषण का समय आप घटा या बढ़ा सकते हो। तो वैसे ही एक इमेज या फिर आपके चार्ट में आपके सामने भी रखता हूँ, वो देख लो। तो इसके अंदर क्या है, जो लेवल वन का पोषण है उसके बारे में है कि लेवल वन का पोषण जो है उसमें आपके 0.48 बढ़ते हैं, और जो दूसरे लेवल का जो पोषण होता है उसमें 0.8% हार्ट जो है वो प्रति सेकंड बढ़ता है, और जो तीसरे लेवल का है उसमें शायद 1.6% हार्ट आपका बढ़ता है प्रति सेकंड, और चौथे लेवल का है उसमें आपके 3.3% हार्ट बढ़ता है प्रति सेकंड, और पांचवे लेवल में आपका शायद 6% बढ़ता है, और जो लास्ट और फाइनल लेवल है 6 पोषण का उसमें आपका 20 हार्ट बढ़ता है प्रति सेकंड। तो भाई लोग फाइनली यही थी आज की वीडियो पोषण के बारे में और रीजनरेशन के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वो वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।